अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं नॉलेज रहमान। दोस्तों ये 1921 की बात है जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉबर्ट तिब्बत के बर्फ पोश पहाड़ों में मौजूद था। ये यहाँ एक एक्सपेडिशन पर था। चार्ल्स एक पहाड़ पर था जिसका नाम लागबा ला है। यहाँ इसने एक अजीब मंजर देखा। इसे पहाड़ की बर्फ में कदमों के बड़े बड़े निशान नजर आए। चार्ल्स के मुताबिक ये निशान ऐसे थे जैसे कोई इंसान नुमा जानवर बर्फ में चला हो। बाद में इसको तिब्बत के लोगों ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर ये हैरान रह गया। तिब्बत के लोग ये मानते थे कि बर्फ पोश पहाड़ों में एक अजीब सी मखलूक रहती है और इसका कद 20 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल हैं और ये क्रिएचर तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ में छुपकर रहता है। तिब्बत के कई लोगों ने इसको देखने का दावा भी किया था। वहाँ के लोग इसको येटी कहते थे। चार्ल्स ने इसका जिक्र अपनी किताब में डिटेल से किया और यहीं से येटी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर होने लगी। ऐसे अजीब इंसान नुमा जानवर तिब्बत और नेपाल में हिमालय के बर्फ पोश पहाड़ों में रहते हैं। दोस्तों 1951 में एक और एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने भी पहाड़ों पर कुछ अजीब कदमों के निशाना देखे जो 12 से 13 इंच लंबे थे। इसने इनकी तस्वीर भी ली थी और इसके बाद एक दफा फिर से येटी की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं। एक और वाकया एडमंड हिलरी का है। ये माउंट एवरेस्ट पर मौजूद था जब इसे 19,000 फीट की बुलंदी पर एक जानवर का लंबा सा बाल नजर आया। इसे भी यही लगा कि ये बाल येटी का है। हिमालय में जाने वाले कई माउंटेनियर्स को वहाँ से ऊंची और अजीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती थीं और इन आवाजों को भी येटी की आवाज कहा गया। उस वक्त लोग येटी को ढूंढने के लिए इन पहाड़ों पर टीम्स के साथ जाना शुरू हो गए। दोस्तों येटी की कहानियाँ इतनी फैल गई थी कि 1959 में येटी के हवाले से बाकायदा एक कानून बना दिया गया कि किसी ने इसको मारना नहीं है और इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है। इसको ढूंढने के लिए लोग बाकायदा गवर्नमेंट को फीस अदा करते थे, यानी ये अच्छा खासा कारोबार बन गया था। मगर मसला ये था कि नेपाल और तिब्बत के बुलंदो बाला और बर्फ पोश पहाड़ों पर जाकर येटी की खोज लगाना बहुत मुश्किल और महंगा काम था। दोस्तों ये साल था 1974 का जब नेपाल के एक गांव में एक लड़की अपने मवेशियों को चराने गई हुई थी जब इसके मुताबिक एक येटी ने इस पर हमला कर दिया। गांव वालों को इस लड़की के मवेशियों की लाशें मिली थीं जिनकी गर्दनें टूटी हुई थी। अब ऐसा इनका दावा था, हो सकता है ये किसी जानवर का काम हो। लेकिन एक दफा फिर से येटी का खौफ नेपाल और तिब्बत में फैल चुका था। वीडियो के आखिरी हिस्से में अब येटी की असलियत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या येटी वाकई में होता है या ये सिर्फ कहानियां बनी हुई हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1980s में। उस वक्त एक आदमी होता था जिसका नाम रेनहोल्ड मेसनर था। इसको येटी को तलाश करने का जुनून था। इसने येटी को देखने का दावा भी किया था लेकिन इसने एक ऐसी बात कही जो शायद येटी की मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। मेसनर ने कहा था कि येटी दरअसल एक ऐसा भालू है जिसको हम अभी नहीं जानते। ये बेहद ऊंचे पहाड़ों में बर्फ में रहता है और येटी एक ब्राउन बेयर और एक पोलर बेयर यानी बर्फानी भालू का क्रॉस है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंस भी आज यही कहती है कि जो बाल और हड्डियां वगैरह पहाड़ों से मिली थी जिनको कहा गया था कि वो येटी की हैं, वो दरअसल भालुओं के बाल और हड्डियां थी। यानी पूरा मुमकिन है कि येटी दरअसल एक भालू की ही एक किस्म है जो बर्फानी पहाड़ों में कहीं रहती है और लोगों ने इसे आज क्या से क्या बना दिया। बहरहाल असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं लेकिन आज भी करोड़ों लोग येटी के होने पर पूरा यकीन रखते हैं। दोस्तों ये थी येटी की असल हकीकत। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज विद एमआर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।